नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नामीबिया से भारत आए 8 चीतों के खाने के ऊपर बवाल चालू हो गया है। इन अफ्रीकी चीतों का मुख्य भोजन है हिरण, चीतल, सांभर और जंगली सुअर। जी हाँ दोस्तों, काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान को सलाखों के अंदर पहुंचाने वाले बिश्नोई समाज ने चीतों को हिरण परोसने के बारे में अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिश्नोई समाज ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें कहा गया है कि हिरण चीतों का आहार नहीं बनना चाहिए। इस संबंध में हरियाणा में बिश्नोई समाज ने धरना प्रदर्शन भी किया है और सरकार को ज्ञापन भी सौंपा है। उनको शाकाहारी जो चीतल और हिरण है उनको खाने के लिए परोसा जा रहा है, जबकि बिश्नोई समाज है वो शताब्दियों से इनकी रक्षा करता आ रहा है और भविष्य में भी रक्षा करेगा, और जहाँ भी होता है रक्षा के भरपूर प्रयास करता है, चाहे वो राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पूरे आगे बात बढ़ती जाएगी और ये बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ तक चली जाए, क्योंकि ये सब हमारे समाज के लोग भी इसमें भाजपा में सरकार में है, तो उनको सोचना चाहिए कि समाज के साथ ये क्या हो रहा है, समाज जिसकी रक्षा कर रहा है क्या हो रहा है, तो इस पर विचार करके और इसको तुरंत प्रभाव से बंद करवा देना चाहिए ताकि समाज भड़के ना, समाज की भावना आत ना हो और समाज इसमें आम आदमी के साथ और सबके साथ मिलकर चले। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चीतों का मुख्य भोजन हिरण, चीतल और सांभर है जिनके गोश्त में चर्बी बहुत कम होती है, चीते वही आहार खाना पसंद करते हैं, तो इस स्थिति में चीते आखिर क्या खाएंगे? चीते भैंस का चर्बीदार गोश्त खाएंगे जो कि सूत्रों के मुताबिक उन्हें दिया जा रहा है, या फिर वो अपना आहार हिरण, सांभर, चीतल को शिकार करके खाएंगे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।